पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है सीबीएसई में सेकेंड टर्म में आउट ऑफ 35 मार्क्स जो ऑर्गेनिक का वेटेज है वो है 13 मार्क्स का। इसमें दो चैप्टर्स आते हैं, एक आता है आपका यूनिट 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा जो यूनिट आता है वो है यूनिट अमीन, छोटा सा यूनिट है। इस यूनिट में थोड़ा सा डिलीटेड पोर्शन है, अगर आपको याद आ जाए तो हमने इसमें से डाइजोनियम पूरा का पूरा इस बार के लिए डिलीट कर दिया गया है, राइट। और 13 नंबर आउट ऑफ 35, दैट मीन्स समथिंग लाइक 37%, इट्स क्वाइट अ वेटेज। एंड व्हाट आई हैव सीन इज मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक इसका हाइप सा भी बना रखा है। ये उतनी मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल आप इसको समझते हो, राइट। सो इसको एक पढ़ने का एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है, वो जब तरीका आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत आसान लगेगी। ऑल दो अब तो हम टर्म के काफ़ी एंड पे आ गए हैं, तो इस समय मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पर आप ज़्यादा ध्यान रखें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो at this point of time. So let's get started with the organic of class 12, keeping in mind the board examination of 2022. Okay, so ऑर्गेनिक में प्राइमरली द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड आर, आई एम ओनली टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में एक आपका नेम रिएक्शन आता है जिसमें कुछ आपको प्रोसेसेस होते हैं जिनके विच आर आफ्टर सम साइंटिस्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका आ गया गार्टमैन कॉक रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शंस, रोजेनमन रिएक्शंस, ये सारे की सारी नेम रिएक्शंस कहलाती हैं, राइट। तो और एक होता है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन में ये होता है कि हमें एक टेस्ट लिखना होता है दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए। मेरा आज का वीडियो इन दोनों को काफ़ी डिटेल में लेके जाएगा, बाकी सब पे आई जस्ट बी थ्रोइंग लाइट एंड वील काइंड ऑफ बी पुशिंग ऑन टू दीज टू टॉपिक्स। और थर्ड होता है जनरली एक रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस हो सकते हैं या केमिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं अंडरगो करता है, और गैब्रियल थैलामाइड से एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं बनते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन। या फिर एरोमेटिक अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एलिफेटिक अमीन से क्यों ज़्यादा होता है, और एरोमेटिक की सॉलिबिलिटी एलिफेटिक से क्यों कम होती है, थिंग्स लाइक दीज। मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, राइट। एंड देन वी हैव केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में किसी भी तरीके से आ सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं, या आपको कैटलिस्ट लिखना है, या आपको रिएक्टेंट लिखने हैं, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट्स आपको दिए हुए हैं। सो और इसके बाद वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है। वर्ल्ड प्रॉब्लम में बच्चे क्या करना पड़ता है कि देर आर स्टेटमेंट्स गिवन लाइक अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट C and D, यू नो, एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दैट वी कॉल्ड एज अ वर्ल्ड प्रॉब्लम, एंड वी हैव दैट नॉमेनक्लेचर। सो अगर तो इसमें से सिर्फ एक वर्ल्ड प्रॉब्लम ऐसी है जो एक नंबर से ज़्यादा की आती है, एक नंबर से ज़्यादा की आती है। बाकी ये क्वेश्चन अगर तीन नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो 1+1+1 में स्प्लिट रहता है। डिस्टिंक्शन आपको एक डिस्टिंक्शन आ सकता है, दो डिस्टिंक्शन आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, राइट। सो उस हिसाब से आप करेंगे। रीजनिंग के कितने भी क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो हर क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो एक नंबर का ही होगा। केमिकल रिएक्शंस अगेन विल बी इन पार्ट्स एंड एवरी क्वेश्चन विल हैव वन मार्क। एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक नंबर का कभी भी नहीं आता है, या तो तीन नंबर का आएगा या पाँच नंबर का आएगा। थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्ल्ड प्रॉब्लम होगा बिकॉज आपका पेपर जो है वो 35 मार्क्स का है, तो द वर्ल्ड प्रॉब्लम कैन बी ऑफ 2 मार्क्स ऑल्सो। एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम के एंड में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछा गया है। आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है, आयुपेक नाम पूछा गया है, या आपसे रिएक्शंस पूछा गया है। मैनी टाइम्स स्ट्रक्चर्स आर asked and kids they land up writing the IUPAC nomenclature, or else the reactions are asked and you forget and you just write the names, right? So things like this. एंड नॉमेनक्लेचर आपको पता है या तो IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है या फिर नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आता है। अगेन दिस ऑल्सो मैक्सिमम वेटेज दैट अ पार्ट कैन कैरी इज 1 मार्क। सो जैसा कि आपको पता है आपके पास 2 मार्कर्स भी आ रहे हैं, 3 मार्कर्स भी आ रहे हैं, 5 मार्कर्स भी आ रहे हैं, बट इन ये सभी के सभी फर्दर स्प्लिट होंगे। आप
अगर पेपर सैंपल पेपर भी उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे टू मार्कर भी फर्दर दो में स्प्लिट होगा, थ्री मार्कर्स वन प्लस वन में स्प्लिट होगा, फाइव मार्कर जिसमें कि आप कोई पैराग्राफ आ रहा है उसके साथ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी वन प्लस वन में स्प्लिट है। तो आपको बहुत लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस पे एम्फसाइज करूंगी। और ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर बच्चों को आते भी हैं, आते हुए भी उनके पूरे मार्क्स नहीं आते हैं। रीजन बीइंग बच्चों को वो फॉर्मेट ही नहीं पता है जो बोर्ड एक्सपेक्ट करती है। बहुत दुख होता है जब हम पेपर चेक करने जाते हैं बोर्ड का और हमें पता चल जाता है रिएक्शन देखे कि बच्चे को नेम रिएक्शन अच्छे से आती है लेकिन वी आर नॉट अलाउड टू गिव वन मार्क्स क्योंकि उसका फॉर्मेट बच्चे ने फॉलो नहीं किया। वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ बोर्ड की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं रिगार्डिंग दीज टू क्वेश्चंस, राइट।